और ये 6 महीने चलने वाली परिवर्तन यात्रा है। इसके लिए 2000 कार्यकर्ताओं ने यह तय किया कि जब तक हम लोग 6 महीने परिवर्तन यात्रा पूरी नहीं होती तब तक हम घर पर वापस लौट कर जाएंगे नहीं, समाज के बीच में ही रहेंगे। 2000 कार्यकर्ता इस काम में लगे हुए हैं। अब लाखों किलोमीटर की अगर परिवर्तन यात्रा चल रही है तो निश्चित इसका कोई उद्देश्य होगा, मकसद होगा। बगैर मकसद के तो कोई इंसान यहां से सीकर से जयपुर भी नहीं जाता, दिल्ली भी नहीं जाता। अगर जाएगा तो घर वाले पूछेंगे आप दिल्ली क्यों जा रहे हो, क्या काम है। तो बगैर मकसद के तो कोई जाता नहीं 100-200 किलोमीटर में भी। तो लाखों किलोमीटर की अगर परिवर्तन यात्रा हम लोग चला रहे हैं तो इस परिवर्तन यात्रा का एक मकसद है। वो कौन सा मकसद है जिसको हम बहुजन कहते हैं? SC ST 22.5% है, 52.5 OBC है, 75 हो गया, और इनमें से परिवर्तित लोग हैं, कोई सिख, कोई ईसाई, कोई क्रिश्चियन, कोई बुद्धिस्ट, कोई मुस्लिम। ये 100 में से 85% लोग हैं, 100 में 85 है। अब हम बहुजन तो है, संख्या में ज्यादा है, लेकिन 4000 जातियों में बटे हुए लोग हैं और लाखों में बटे हुए हैं। आप अपने गली मोहल्ले में आपके एरिया में देखोगे ना तो एक दो संदर्भ मिल ही जाएगा, चाहे जाति के नाम पर हो या स्थानीय समस्याओं के नाम पर हो। अब 6,80,000 गांव है, अगर 6,80,000 गांव है, अगर एक गांव का एक संगठन मानेंगे तो लाखों संगठन में हम लोग बटे हुए हैं ना। और जब तक हम लाखों संगठन में बटे हुए हैं तब तक हमारी संगठन शक्ति निर्माण नहीं हो सकती। आप कह रहे हो कब्जा कर लो संसद पर, कब्जा कर लो, लेकिन जब तक संगठित नहीं होते तब तक ये काम संभव नहीं है। हमारी चाहत कितनी भी बड़ी हो, हमारी इच्छा शक्ति कितनी भी बड़ी हो, जब तक ताकत नहीं है तब तक आप वो काम कर नहीं सकते। क्योंकि हम लोगों ने केवल बाबा साहब अंबेडकर का नाम लिया और उन्होंने जो कहा वो हमको याद रह गया, जो करना था वो हम भूल गए। उन्होंने कहा शिक्षित करो तो समाज शिक्षित तो हो गया, संगठित करो वो कड़ी टूट गई और संघर्ष करने में लगे हैं। शिक्षित करो तो शिक्षित वर्ग तो पैदा हो गया, संगठित करना है वो कड़ी टूट गई और अपने अपने स्तर पर लोग संघर्ष कर रहे हैं। जो संगठित करने का काम बाकी रह गया वो कर नहीं रहे, कोई संगठन में तो बना रहे हैं समाज को संगठित नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमने तय किया कि बहुजन क्रांति मोर्चा कोई संगठन नहीं है, ये हजारों जाति और लाखों संगठनों को इकट्ठा करने का एक कॉमन प्लेटफॉर्म है, ये संगठन नहीं है। लाखों संगठनों को संगठित करने का एक कॉमन प्लेटफॉर्म है। अगर इस देश का RSS का भागवत और प्रणब मुखर्जी एक मंच पर आ सकते हैं दो मनुवादी लोग, तो हम भारत के मूलवासी एक मंच पर क्यों नहीं आ सकते हैं? लेकिन लाखों संगठनों को अगर एकत्रित करना है, छोटे संगठन, बड़े संगठन, मध्यम संगठन, जाति के संगठन, स्थानीय संगठन, जिनको इकट्ठा करना है तो उनके बीच में जाना होगा, उनके बीच में समझाना होगा। जब उनके बीच में जाना है तो समय लगाना होगा और हमारे लोग कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, होना सब कुछ चाहिए टाइम नहीं है। समय लगाना होगा, समझाना होगा और जोड़ना होगा तब शक्ति निर्माण होगी। तो ये तो समय लगाने वाला काम है।
हमने सोचा हम दूसरों किसी को कहेंगे भैया ये आप काम करो, तो वो हमें पूछेंगे आप क्यों नहीं कर रहे हो, हमें सलाह दे रहे हो। तो हमने सोचा चलो हम ही शुरू करते हैं। इसलिए हम लोगों ने 6 लाख गांव तक पहुंचने का निर्धारित किया 3 साल के अंदर। हर गांव में कम से कम एक संगठन हमारे साथ जुड़ जाएगा। 5-6 लाख संगठन 3 साल के अंदर जोड़ने का कार्यक्रम है। 5-6 लाख संगठनों को जोड़ने का कार्यक्रम है। हम लोग क्या करते हैं, केवल अपेक्षा करते हैं ये होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए, आज आइडिया आया विचार, और कल सोच रहे हैं कि हमको देश पर कब्जा कर लेना चाहिए। होता नहीं है। आरएसएस को कब्जा किया 75 से लेकर 93 साल हो गया तब हुआ, 4 पीढ़ियां चली गई सब कुछ होने के बाद। आर्थिक रूप से सक्षम है, सामाजिक सक्षम है, एजुकेशनल सक्षम है, उनकी व्यवस्था होने के बावजूद भी उनको 93 साल लगा। कितना? 93 साल। 93 साल बच्चों का खेल है क्या? हमारे आदमी तो आज बीज बोया आज फसल आनी चाहिए, आज ही बीज बोया और उसका आज ही रिजल्ट आना चाहिए। ये चल रहा है तो 3 साल कोई बड़ी बात नहीं। हमने लक्ष्य निर्धारित किया है 5 लाख संगठनों को जोड़ेंगे, 6,000 जातियों को जोड़ेंगे इस देश में। दुश्मन अगर तोड़ने का काम कर रहा है, दुश्मन का काम तोड़ने का है समाज को, तो हमारा काम जोड़ने का है। देखते हैं दुश्मन की कितनी औकात है, हमारी कितनी औकात है, हम भी देखते हैं। अभी इस काम में लगे हुए हम लोग और 6 महीने में 1 करोड़ लोगों को हम मोबिलाइज कर रहे हैं। समस्याएं बहुत सारी है, समस्या गिनावे कम नहीं होगी। हम लोग समस्याओं की चर्चा ज्यादा करते हैं, समाधान की चर्चा बिल्कुल नहीं करते। समस्या की चर्चा ज्यादा करते हैं, समाधान की चर्चा बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि समाधान करने के लिए तो फिर आपको उस रास्ते पर चलना पड़ेगा। समाधान अगर सोचा तो उस रास्ते पर चलना पड़ेगा। सलाह देना आसान है, उस रास्ते पर चलना बहुत कठिन है, कोई भी हो। हजारों साल से जिन लोगों ने हमारे पर राज किया, मनुवादियों ने, वो लोग आज भारत के संविधान की सिंगल लाइन पर अमल नहीं किया। संविधान बहुत आगे की बात है, सिंगल लाइन पर अमल नहीं हुआ है। भारत के संविधान की पहली लाइन है कि हम भारत के लोग समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्यायपूर्ण समाज और राष्ट्र का निर्माण करेंगे। पहली लाइन ही क्या हो गया? क्या समाज में समानता आ गई? क्या अन्याय बंद हो गया? क्या अत्याचार बंद हो गया? क्या जातिवाद बंद हो गया? क्या? अरे जिस देश के राष्ट्रपति का जाति के नाम पर अपमान होता हो, इसे बड़ा कोई जातिवाद का सबूत चाहिए आपको? इसे बड़ा भी कोई सबूत चाहिए आपको जातिवाद का? संविधान की सिंगल लाइन पर अमल नहीं हुआ और ना करने वाले हैं वो, और आप उनसे उम्मीद करते हो, ये आपकी बेवकूफी है। दुश्मन अपना काम करेगा ही करेगा। दुश्मनों से, बेईमानों से ईमानदारी की अपेक्षा करना ये बेवकूफ के अलावा कुछ भी नहीं है। बेईमान लोगों से ईमानदारी की अपेक्षा करना ये बेवकूफ के अलावा कुछ भी नहीं है। वो करेगा अपना काम, वो करेंगे। हम कितना रोकने में कामयाब है ये हमारी ताकत पर निर्भर है। साथियों, वर्तमान में सारा लोकतंत्र खत्म हो चुका है, हो रहा है। October 28, 1951 पंजाब के जालंधर में, पंजाब राज्य के जालंधर जिले में डीएवी कॉलेज में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने एक भाषण किया है।
उसका विषय था कि भारत के लोकतंत्र का भविष्य कैसा होगा। जो लोकतंत्र है इसका आने वाला भविष्य कैसा होगा लोकशाही का, तो उस विषय में बाबा साहब अंबेडकर ने अपने विचार रखते वक्त दो बातें बताई है कि अगर लोकतंत्र को जिंदा रखना है तो मजबूत विरोध पक्ष होना चाहिए, नंबर एक की शर्त। नंबर दो की शर्त है निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव होना चाहिए। अगर ये दो बातें नहीं होगी आपका लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। हजारों साल जिन लोगों ने राज किया, जिनके बाप दादा ने राज किया, वो आधुनिक भारत में लोकतंत्र में भी विरोध पक्ष पैदा करने नहीं दिया विरोध पक्ष पैदा करने के लिए। जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था तब मुस्लिम लीग विरोध पक्ष में थी और उस समय मुसलमानों को 33% आरक्षण था लखनऊ पैक्ट के तहत, 33% मुसलमानों को रिजर्वेशन था और 22.5 SC/ST को, तो मिला दो कितना हो गया, 56 हो गया ना 56, और अगर OBC उसमें मिल जाए तो हजारों साल की उनका वर्चस्व और व्यवस्था खत्म हो जाती है, हजारों साल की। वो अपनी व्यवस्था को बचाने के लिए उन्होंने भारत पाकिस्तान का विभाजन किया और बदनाम भारत के मुसलमानों को किया है, इन्होंने देश को तोड़ा, बदनाम भारत के मुसलमानों को किया, जबकि व्यवस्था उनको अपनी बचानी थी। मुसलमानों को डिमोबलाइज करने के लिए बोलते इन्होंने देश को तोड़ा है, और मुसलमान डिफेंस करते हैं कि हमने नहीं तोड़ा। अरे मैं तो कहता हूं यूरेशियन ब्राह्मणों ने 11 बार भारत को तोड़ा है, उन मनुवादियों के बाप दादाओं ने 11 बार भारत को तोड़ा है। सम्राट अशोक के समय का नक्शा उठाकर देख लो, अफगानिस्तान तक भारत था, अफगानिस्तान अलग हो गया, बलूचिस्तान अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया, क्यों, मुस्लिम आबादी थी और मुसलमानों का आधार इस्लाम है और इस्लाम का आधार मसावाद है, समानता, और मनुवादियों का आधार असमानता है। अपनी असमानता को बचाने के लिए उनको अलग किया है। इधर आ जाओ, नेपाल को अलग कर दिया तथागत गौतम बुद्ध की भूमि को, श्रीलंका को अलग कर दिया, थाईलैंड को अलग कर दिया, इंडोनेशिया को अलग कर दिया, भूटान को अलग कर दिया, बुद्ध की बुद्धिस्ट विचारधारा समानता की है और उनकी विचारधारा असमानता की है, अन्याय की है, इसीलिए उन्होंने 11 बार भारत को तोड़ा है अपनी व्यवस्था बचाने के लिए। मुसलमानों को बदनाम करते हैं, अब मुसलमानों के पास इतिहास की जानकारी तो है नहीं, इसलिए वो उनको मुंह तोड़ जवाब देते नहीं है, और यही एकमात्र कारण है कि यूनिवर्सिटियों में कॉलेजों में 1200 साल का इतिहास पढ़ाते हैं, मुगलों के आने के बाद का इतिहास पढ़ाते हैं, अंग्रेजों के आने के बाद का इतिहास पढ़ाते हैं, क्रिश्चियनों के आने के बाद। मैं कहना चाहता हूं जब भारत में मुगल आए ही नहीं थे, अंग्रेज आए ही नहीं थे, तब भारत में तक्षशिला नालंदा विश्वविद्यालय थी, तब उसमें कौन सा अभ्यासक्रम था, वो अभ्यासक्रम हमारा कहां गया, वो सिलेबस कहां गया हमारा। अगर उनके फेवर में होता तो कभी नहीं जलाते नालंदा को, 11 बार भारत को तोड़ा है उन लोगों ने, बदनाम मुसलमानों को कर रहे हैं, मुस्लिम लीग अलग हो गई। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस जो विरोध पक्ष में थे, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया, सुभाष चंद्र बोस की भी उन्होंने हत्या कर दी, पार्टी उनकी नहीं हटाया, उनको ही हटा दिया रास्ते से, सुभाष चंद्र बोस को ही रास्ते से हटा दिया। और सर छोटू राम को भी पॉइजन देकर मारा, उसका भी मेरे पास एविडेंस है, सारा इतिहास है। बाबा साहब अंबेडकर की हत्या हुई, उसका भी सारा एविडेंस है। उसके बाद विरोध पक्ष में बाबा साहब अंबेडकर थे, सुभाष चंद्र बोस के बाद बाबा साहब अंबेडकर ने SC/ST को अधिकार दिया, OBC के लिए इस्तीफा दिया,
ओबीसी को भी जागृत करना चाहते थे, जोड़ना चाहते थे, तो उनको लगा खतरा, ये तो बाबा साहब अपनी लड़ाई लड़े हैं, ओबीसी की भी लड़ाई लड़े हैं, ये तो आने वाले समय में बहुत भयानक हो जाएगा। जो भी आपने कहा कि इनको एकड़ा आना चाहिए, एकड़ा करने का काम बाबा साहब ने शुरू कर दिया था, शुरू कर दिया था, और इस्तीफा दिया उन्होंने, तब उनको लगा ये 1952 के चुनाव में, पहला चुनाव में बाबा साहब ने ओबीसी का मुद्दा उठाया, इसको हम लागू करेंगे आर्टिकल 340 को। और उस समय नेहरू ने दो बड़े हथियार का इस्तेमाल किया, एक तो जाति के हथियार का इस्तेमाल किया, 3% अपनी बिरादरी को 60% टिकट देकर 47% चुनवाया, और भारत की न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, प्रचार माध्यमों पर कब्जा कर लिया आधुनिक भारत में। दूसरा, पार्लियामेंट में बाबा साहब अंबेडकर नहीं जाना चाहिए, तो उनके ही एक आदमी को तोड़कर काजरोलकर, जो नेहरू का खाना बनाने वाला था, 2000 चुनावी मर्यादा थी, 25,000 रुपया दिया, अंबेडकर चुनाव नहीं जीतना चाहिए, पैसे का इस्तेमाल पहले चुनाव से शुरू हो रहा है, आज नहीं हो रहा है चुनाव में, पहले चुनाव में ही शुरू हो गया था। उसके बाद 52 के चुनाव के बाद 57 का चुनाव आ रहा था जनवरी में, तो 56 में बाबा साहब की भी हत्या हो गई, तो विरोध पक्ष में बाबा साहब अंबेडकर भी नहीं रहे, तो कांग्रेस जिन्होंने बनाया उन्होंने जनसंघ बनाया, कांग्रेस बनाने वाले वही गोखले तिलक, और जनसंघ बनाने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी, विरोध पक्ष कहां गया, सत्ता में भी वही और विपक्ष में भी वही, एक ही बिरादरी, विरोध पक्ष पैदा नहीं करने दिया, ये हमारी समस्या है। और 57 के चुनाव के बाद 62 का चुनाव आया, तो भारत चीन का युद्ध हो गया, फिर चुनाव जीत गए। 62 के बाद 67 का चुनाव आ रहा था, तो भारत पाकिस्तान का युद्ध हो गया 1965 में। 67 के बाद 5 साल मिला तो 72 का आ रहा था, 1972 का चुनाव आ रहा था, तो 1971 में भारत बांग्लादेश हो गया। मैं जो समझाना चाहता हूं कि कभी निष्पक्ष चुनाव हुआ ही नहीं, आज तक निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ है, और उसके बाद ओबीसी के लोगों ने विद्रोह शुरू किया, तो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लागू किया था, नेहरू के बाद इंदिरा बन गई, लाल बहादुर शास्त्री को भी रास्ते चटाया, इंदिरा बन गई, इंदिरा के बाद मोरारजी देसाई बन गए, वो भी उनके बिरादरी के, फिर दोबारा इंदिरा गांधी बन गई, 80 के बाद भारत खाली, हिंदुस्तान खालिस्तान का युद्ध हो गया, खालिस्तान वर्सेज हिंदुस्तान, देश की अखंडता खतरे में, पहले देश को बचाओ, टूटने वाला है, सरदार लोग, पंजाबी लोग देश को तोड़े हैं, खालिस्तान के नाम पर दे इंदिरा गांधी को ठप्पा, और इंदिरा गांधी उसकी वजह से मारी गई, खालिस्तान की वजह से। उसके बाद राजीव गांधी तो सहानुभूति में आए थे, उनको कोई अनुभव नहीं था राजनीति का, कोई अनुभव नहीं था। उसके बाद सोनिया को जब अपना रास्ता बनाना था, तो पहले 3 लोगों को उन्होंने बाहर निकाला, उनको लगा कि शरद पवार पुराना नेता है, सीनियर है राजीव से भी, सोनिया से भी, और कुर्मी जाति का मराठा है, तो बाहर निकाला। उसके बाद भुट्टा सिंह सीनियर नेता थे, 40 साल कांग्रेस में थे, उसको भी बाहर का दरवाजा दिखा दिया। उसके बाद ये संगमा आदिवासी थे, सोनिया से सीनियर थे, उसको भी बाहर का रास्ता निकाला, उनको डर लगा कि कहीं असली इनके हाथ में चला गया तो ये अपने समाज के लिए नीतियां बनाएंगे तो क्या होगा हमारा, उनको दरवाजा दिखा दिया बाहर का, और उसके साथ साथ 3 लोगों का और बंदोबस्त हुआ, सीनियरों को हटाया गया। आपको मालूम
होगा, माधवराव सिंधिया की मृत्यु कैसे हुई? आपको मालूम होगा राजेश पायलट की मृत्यु कैसे हुई? और अजीत जोगी मरते मरते बचा, तब से कुछ बोल नहीं रहा है। मैं इस देश के लोकतंत्र पर उन लोग हावी कैसे हुआ यह बताने की कोशिश कर रहा हूं। वो लोग आपके हाथ में देने वाले नहीं है सत्ता, आपका इस्तेमाल जरूर करेंगे, आपका इस्तेमाल जरूर करेंगे, आपको देने वाले नहीं है। उसके बाद राजीव गांधी को हटाने के लिए फिर पिछड़े वर्ग के नेताओं ने आंदोलन किया और वीपी सिंह को अपना प्रधानमंत्री बनाया। वीपी सिंह को बीजेपी ने गिरा दिया और इसके बाद बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का मुद्दा शुरू हो गया। वो शुरू इसीलिए हुआ कि ओबीसी का जो मंडल कमीशन का निर्णय आया था 16 नवंबर 1992, उसमें क्रिमिनल लागू किया और पता नहीं चलना चाहिए ओबीसी का, इसके लिए नया मुद्दा खड़ा कर दिया। ओबीसी को लड़ाई लड़नी चाहिए थी अपनी, और लड़ाई लड़े थे कल्याण सिंह उनका, उमा भारती उनकी, विनय कटियार उनका। ये क्रिमिनल की वजह से क्या हो गया मालूम है? अभी 314 बच्चे आईएएस बनते रहिए, 2015 में यूपीएससी के एग्जाम पास किया आईएएस की, लेकिन क्रिमिनल की वजह से केंद्र सरकार ने हटा दिया, मोदी ने हटा दिया, बोले नहीं बन सकते। क्या ओबीसी को मालूम है उनके साथ 25 साल में क्या धोखा हुआ है? ओबीसी के साथ क्या धोखा हुआ ओबीसी को मालूम नहीं है, और एससी एसटी को भी मालूम नहीं है। और एससी एसटी के लोगों ने बाबा साहब अंबेडकर के मिशन का ज्यादा सत्यानाश किया है, मैं तो मुंह पर कहता हूं। अच्छा लगे बुरा लगे मैं इसके लिए दिमाग थोड़ी हूं, एससी एसटी के लोगों ने ज्यादा सत्यानाश किया है। उन लोगों ने नारा लगाया, दलितों का नारा है, बाबा साहब अंबेडकर हमारा है, तो ओबीसी ने बोला लो तुम्हारा है, आदिवासी ने बोला लो तुम्हारा है। हम लोगों ने रास्ते बंद किए, अब हम चिल्ला रहे हैं कि वो लोग आ नहीं रहे हमारे साथ, तो रास्ते किसने बंद किया? हम लोगों ने रास्ते बंद किए। जब तक हम हमारी गलतियों को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक आप दूसरा रास्ता बनाओगे नहीं, उसमें ही घूमते रहोगे। ये बात कड़वी है, लेकिन आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए ज्यादा सुटेबल है, जल्दी ध्रुवीकरण हो जाए एससी एसटी ओबीसी का, इसलिए बता रहा हूं। ये चल रहा है देश में। उसके बाद अटल बिहारी प्रधानमंत्री बने तो 13 दिन में सरकार कांशीराम साहब ने गिरा दी थी। एक वोट से कांशीराम साहब ने अटल बिहारी की सरकार गिरा दी थी, और बहन मायावती जी के पास 21 एमएलए एमपी थे, 21, 10 साल कांग्रेस को मजबूत कर दिया, गिरा सकते थे। अगर गिरा दिया होता तो आज बीजेपी हमारे सर पर नहीं आती। कांशीराम साहब ने एक वोट से गिरा दी थी, बेन जी ने 21 सीटों से मजबूत कर दिया कांग्रेस को, कांग्रेस उसके ऊपर निर्भर थी, गिरा सकते थे, नहीं गिराया। ये चल रहा है देश में। उसके बाद दोबारा प्रधानमंत्री बने 13 महीना, उसके बाद कारगिल का युद्ध हो गया, याद है सब? चुनाव जीतने के लिए इस देश में क्या क्या हो रहा है। 2002 का गोधरा कांड हो गया, अरे आपके राष्ट्रपति पद है, सबसे सर्वोच्च पद है, उसका भी व्यवस्था इस्तेमाल कर लेती है, व्यवस्था उसका भी इस्तेमाल कर लेती है। जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, और भारत पाकिस्तान के विभाजन से पहले उन्होंने एक नया गेम खेला कि सुभाष चंद्र बोस की हत्या हुई, कायस्थों में विद्रोह नहीं होना चाहिए, कायद भी शुद्ध रहे, विद्रोह ना हो, तो उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति बनाया। जब भारत पाकिस्तान अलग हुआ, मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, तो प्रधानमंत्री बनाया, राष्ट्रपति बनाया मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को। जब भारत बांग्लादेश का युद्ध हुआ, मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, तो ठंडा करने के लिए राष्ट्रपति बनाया फखरुद्दीन अली अहमद को। उसके बाद जब सिखों का कत्लेआम हुआ, तो और मामला ठंडा करने के लिए ज्ञानी जैल सिंह को राष्ट्रपति बनाया,
तारीख उठा के देख लेना 82 के बाद बने हुए हैं, और आज से नीलकंठ की हत्या हो रही है, पिटाई हो रही है, तो रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाया हुआ है, राष्ट्रपति तक का इस्तेमाल करते हैं। हेलो 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 हेलो, राष्ट्रपति सर्वोच्च पद है, उसका भी अपनी व्यवस्था के अनुरूप, संविधान के अनुरूप इस्तेमाल करते हैं, तो बाकी लोगों की एमएलए एमपी की कोई औकात है क्या? मैं जो चित्र बता रहा हूं बहुत भयावह है, बहुत डरावना चित्र है, बहुत डरावना चित्र है। इस देश में कभी भी निष्पक्ष चुनाव हुआ नहीं है, और जब ऐसी जब कांसीराम साहब ने नारा दिया वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा, तब उन्होंने मशीनें लाई वोटिंग की कि वोट तो इनके ज्यादा है, राज हमारा कैसे चलेगा, ये मशीनों की बदमाशी कैसे हो रही है ये मैं बताना चाहूंगा। इससे पहले कुछ बातें बुनियादी बताना चाहता हूं। हमारे लोगों को पुरानी मनुस्मृति याद है, वर्तमान की मनुस्मृति दिखाई नहीं दे रही है। पुरानी मनुस्मृति की सब लोग बात करते हैं कि शिक्षा पर पाबंदी थी, संपत्ति पर, शस्त्र पर, तो नई जनरेशन को क्या लगता है, नए बच्चों को, अरे ये पुरानी बातें, अभी थोड़ी ना ऐसा हो रहा है, नए बच्चों को क्या लग रहा है, ये सब पुरानी बातें कर रहे हैं, अब थोड़ी हो रहा है ऐसा। मैं वर्तमान की बात करना चाहता हूं, वर्तमान की, और एक किस्सा बता रहा हूं आपको, जल्दी समझ में आ जाए इसलिए किस्सा बता रहा हूं। गुजरात में राजकोट नाम का एक जिला है, राजकोट के 50 किलोमीटर के अंतर पर गोंडल तहसील है, गोंडल का राजा का बेटा विलायत से पढ़कर आया, अपने पुरखों की जमीन जायदाद के लिए पटवारी के पास गया, पटवारी शेड्यूल कास्ट का आदमी था जिसका नाम नरेश भाई, जिसको आप दलित शेड्यूल कास्ट कहते हो, वो करोड़ों की गाड़ी लेकर गया और पटवारी ने उसको कह दिया कि आज मेरे पास टाइम नहीं है, कलेक्टर की मीटिंग है, आप कल आना। वो राजा का बेटा चला गया वापस राजपूत का, दोबारा आया दूसरे दिन काम कर दिया, तो उन्होंने राजा के राजपूत राजा के बेटे ने एक बात कही कि नरेश भाई आपके लोग बाबा साहेब अंबेडकर की कीमत नहीं समझ पाए, तो बोला आप कैसे समझते हो, आप तो जनरल कैटेगरी में आते हो, बोला हमको पूछो, मैं रात भर सोया नहीं हूं, तो बोला क्यों, बोला मैं रात भर सोता रहा कि कल तक तुम्हारे बाप दादा और तुम्हारे पुरखे हमारी हवेलियों के बाहर खड़े रहते थे और हमारे बाप दादा कहते थे जहां जाओ कल आना टाइम नहीं है, और कल जब आपने एक राजा के बेटे को कह दिया कि टाइम नहीं है कल आना, ये औकात बाबा साहब अंबेडकर ने आपकी बनाई, ये औकात बाबा साहब अंबेडकर ने आपकी बनाई थी, आप नहीं पहचान पाए बाबा साहब अंबेडकर को। ये जो अधिकार हमको पढ़ने लिखने का मिला अब वो समाप्त कर रहे, तरीका उन्होंने बदल दिया, केवल नियत नहीं बदला है। अब क्या किया मालूम है, 2007 में सरकारों ने कानून बनाया कि 8वीं तक बच्चे की परीक्षा लेने का आज नहीं, बगैर परीक्षा के बच्चे को पास करने का, स्लेब की जगह प्लेट पकड़ा दो, दलिया खिचड़ी खीर जो खिलाना है खिलाओ, पढ़ाने का नहीं पास करने का। मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा, मुझे मालूम है 50-55 साल पहले क्या होता था, अगर कोई बच्चा नापास होता था फेल हो जाता था तो बच्चे का बाप बच्चे की मां से झगड़ा करता था, डांटता था कि पूरा दिन घर में हो, बच्चा नापास कैसे हो गया, क्यों पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया, चलो बच्चों को ट्यूशन लगाओ, कमजोर है बच्चा, या फिर मास्टर के पास जाते थे और मास्टर से झगड़ा करते थे,
कि मास्टर जी दो साल से मेरा बच्चा आपके पास आ रहा है पढ़ने को, अभी तक इसको लिखना पढ़ना ही नहीं आ रहा है, कैसे पढ़ाई कराते हो आप? ऐसा चित्र मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा स्कूल में। अब क्या हो गया, बगैर परीक्षा के बच्चा पास हो रहा है तो मां भी खुश, बाप भी खुश, बेटा भी खुश। और मां बाप के दिमाग में भ्रम पैदा हो जाता है कि मेरा बच्चा इतना होशियार है कभी फेल नहीं होता। अबे परीक्षा ही नहीं है, पता कैसे चलेगा कितना होशियार है? और फिर नौवीं और दसवीं में बोर्ड के एग्जाम में जाने के बाद ड्रॉप आउट हो जाएंगे। और तब गांव देहात का आदमी क्या सोच रहा है कि बेटा तेरे नसीब में पढ़ाई नहीं लिखा होगा, तेरे भाग्य में नहीं लिखा होगा पढ़ने का, कोई बात नहीं चल मजदूरी पर लग जा, काम पे लग जा। हमारे लोग ये सोच रहे हैं कि बच्चे के नसीब में पढ़ाई लिखाई नहीं लिखा होगा, चल काम पे लग जा। जब सरकार है आपका भविष्य बच्चों का खत्म करने की कानून बना रही है। आप पढ़े लिखे हो, यहां आपको एक सवाल पूछ रहा हूं, आपको मालूम पड़ जाएगा। आज डॉक्टर बनाना हो बच्चे को तो कितना खर्च लगता है? 1 करोड़। इंजीनियर बनाना हो तो 50 लाख। ये बढ़ने वाला है, कम होने वाला नहीं है। अब हमारे समाज में कितने लोगों के पास 1 करोड़ रुपया होगा, 1-2 करोड़ होगा? 50 साल पहले संभव था, अनपढ़ आदमी मजदूर आदमी ने डॉक्टर इंजीनियर बनाया होगा। आपके गांव में भी आपने देखा होगा, मां बाप लूटा जाप होगा, बच्चा इंजीनियर होगा, बच्चा डॉक्टर होगा। आज कर्मचारी भी अपने बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर बना नहीं सकता, लाख रुपया कमाने वाला भी, लाख रुपया कमाने वाला आदमी भी अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर अभी बना नहीं सकता। तो उन्होंने अपनी नियत में परिवर्तन नहीं किया, उनके तरीके बदल दिए कि समाज में एजुकेशन नहीं होना चाहिए, खत्म करने की योजना बनाई है। दुनिया के आधे अनपढ़ लोग भारत में रहते हैं, उनको डर लगा के बदनामी हो जाएगी, तो बदनामी को छुपाने के लिए उन्होंने क्या किया, प्रौढ़ शिक्षण शुरू कर दिया। 55-60 साल के आदमी को कखगर सिखाओ और डिग्री मांग नहीं सकता, 5-10 साल में चला जाएगा, डिग्री मांग नहीं सकता वो, केवल अक्षर का ज्ञान होगा। और आंकड़े सरकारें बता रही है भारत में साक्षरता का प्रमाण बढ़, इतना परसेंटेज बढ़ गया। अबे कौन सा साक्षरता बढ़ी, क्या पढ़े लिखे को मालूम है क्या, अखबार पढ़ने वालों को मालूम है क्या, वो केवल बोलते नहीं, इस साल सरकार ने साक्षरता का प्रमाण बढ़ गया अभी भारत में। प्राइमरी एजुकेशन के लिए बोलते बजट नहीं है और प्रौढ़ शिक्षण के लिए अरबों खरबों रुपया खर्च कर रहे हैं, वो ऐसा क्यों करना चाहते हैं? जो 3.5% है लोग, अगर 100% उनमें रिजर्व अगर एजुकेशन है, अगर 100 करोड़ की जनसंख्या मानकर चलो, 3 करोड़ अगर है, 3.5% तो 3.5 करोड़ होंगे ना उनका 100%, और हम 85 है, 100% कितना होगा, 85 करोड़, हमारा आधा हो गया 50%, तो कितना होगा, 42-42.5 करोड़, 25% हो गया तो कितना होगा, 21.25 करोड़, 85 का 10% हो गया तो कितना होगा, 8.5 करोड़, 5% हो गया तो कितना होगा, 4.25 करोड़, उनका 100%, हमारा 5%, तब भी हमारे साथ मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए 100% एजुकेशन खत्म कर रहे हैं। 100% हमारे समाज से एजुकेशन खत्म कर रहे हैं। एक बात याद रखो, दुनिया में जो क्राइम रेट होता है, जिस देश का एजुकेशन के ऊपर कम खर्चा होता है वहां क्राइम रेट ज्यादा होता है, और जहां एजुकेशन का खर्च कम ज्यादा होता है बजट, वहां क्राइम कम होता है। दोबारा बता रहा हूं, सोचने वाली बात है, जिस देश में एजुकेशन के ऊपर बजट ज्यादा होता है वहां क्राइम कम होता है, गुनाह कम होता है, और जिस देश में एजुकेशन के ऊपर बजट नहीं होता वहां गुनाहगिरी ज्यादा होती है, क्राइम ज्यादा होता है। भारत सरकार क्राइम को रोकने के लिए तो बजट बना रही है ज्यादा, लेकिन एजुकेशन के ऊपर बजट नहीं बना रही है। क्राइम बढ़ने का मूल कारण है
अनएजुकेशन। अमामराज जी ने बताया, मैं कहता हूं अगर पढ़ा लिखा आदमी है और अनपढ़ आदमी है तो पढ़ा लिखा आदमी को पता चलेगा कि व्यसन से क्या क्या नुकसान हो सकता है। आप पढ़े लिखे हो इसलिए समझते हो ना, ये काम नहीं करना चाहिए। अनपढ़ आदमी को पता है क्या, पवा पीने वालों को पता है क्या? तो जो मूल है एजुकेशन है उसको ही समाप्त कर रहे हैं और हम व्यसन के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। समझाने जाओगे ना आप क्या करेंगे मालूम है? आप ठेले वालों को समझाओगे ना, भैया ये शराब मत पी बुरी चीज है, तो वो बाहर जाकर क्या बोलेगा? आप खुद पिए तो पता चलेगा ना, ये तो पीता नहीं इसको कैसे मालूम इसमें कितना टेस्ट है। हमारा लोग सही बात को किस तरह गलत एंगल से लेते हैं, उसका मूल कारण एजुकेशन का ना होना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि व्यसन वाला अच्छी बात है, एजुकेशन ना होना इसलिए सही और गलत का फैसला हम लोग नहीं कर सकते। क्यों सवालों की दुकान सवालों की बस्तियों में ठेके नहीं है शराब के? सवालों की बस्तियों में ठेके देखा गया शराब के? उनके बच्चे तमाकू उठ के खाते हैं क्या? क्यों नहीं खाते उनकी बस्तियों में? क्यों नहीं दुकानें पान के गले क्यों है? हमारी बस्ती में क्यों है? और हम जानते हैं तो सरकारें नहीं जानती क्या? अगर कल आपके पास सरकार आ गई, आप नीतियां बना दोगे, अपने आप बंद हो जाएगा। पॉलिसी में जाना जरूरी है। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने जिंदगी में किसी को पढ़ाई लिखाई नहीं करवाया, अकेले आदमी को ट्यूशन नहीं पढ़ाया, पॉलिसी ऐसे बनाई उनके मरने के बाद करोड़ों लोग एजुकेटेड हो गए। बाबा साहब ने जिंदगी में किसी को आर्थिक मदद नहीं की, उनके ऊपर भी कर्जा था कहां से करते, पॉलिसी ऐसे बनाई करोड़ों लोग करोड़पति बन गए। गांव में आने का अधिकार नहीं था, करोड़ों के बंगलों बनाकर बैठे। पॉलिसी मेकिंग मस्ट है, अगर हम पॉलिसी मेकिंग में हैं तो सारा ये पाबंदी कर सकते हैं। हम वो नहीं कर रहे हैं और समझाने का काम करेंगे, जो करना चाहिए वो नहीं करेंगे तो ये बंद होने वाला नहीं है, जिंदगी निकल जाएगी बंद नहीं होगा। 100 करोड़ की समस्या है, 100 करोड़ को समझाओगे जिंदगी चली जाएगी, समस्या खत्म नहीं होगी। और अगर आपने नीतियां बना ली सारा का सारा आप प्रावधान कर सकते हो। एजुकेशन खत्म कर रहे हैं, यूनिवर्सल नीति में एजुकेशन नहीं था ना, अभी खत्म कर रहे हैं ना। हम तो कह रहे हैं कि समान एजुकेशन का अधिकार होना चाहिए। कलेक्टर का बच्चा और मजदूर का बच्चा एक ही स्कूल में पढ़े, आ जाओ एक स्कूल में हमारे साथ कॉम्पिटिशन करो, बताते तुमको मेरिट, आ जाओ। तुम्हारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं और हमारे बच्चों को पढ़ने नहीं देते हो 8वीं तक, और बाद में कंपटीशन करवाते हो और बाद में कहते इन लोगों में योग्यता नहीं। कहां से आएगी, कहां से आएगी योग्यता? अगर आपके बच्चों को नौकरियां अगर डिग्रियां है तो संविधान में आरक्षण का प्रावधान है, जब आरक्षण का प्रावधान है तो उनकी समस्या बढ़ जाती है। या तो लेना पड़ता है, नहीं लेते हैं तो आप कहते हो हमारा इतना समाज का बैकलॉग बाकी पड़ा हुआ है, क्यों नहीं बढ़ रहे हो? तो उन्होंने सोचा, हेलो उन्होंने सोचा कि अभी इनका आरक्षण खत्म करना है लेकिन इन्हें पता नहीं चलना चाहिए, तो क्या कर दिया उन्होंने, सारे डिपार्टमेंटों का अभी प्राइवेटाइजेशन कर दिया, सरकारी विभाग कंपनियों को देने का काम शुरू कर दिया है। नई भर्ती है रेलवे का, अगर कंपनी को दे दिया जाए रिलायंस टाटा बिरला अंबानी अडानी को, तो आपके बच्चों का आरक्षण रहेगा क्या? कंपनी में है क्या, प्राइवेट कंपनियों में? छीनने का नया तरीका बनाया उन्होंने, जो कंपनियां जिस देश से आ रही है उस देश में वो विदेशी कंपनियां अधिकार वंचित शोषितों को डाइवर्सिटी एक्ट के तहत 27% रिजर्वेशन दे रही है। अगर सरकारों ने मनवादियों ने शर्त लगाई होती जो सरकार चला रहे हैं कि आपको भारत में एक ही शर्त से अनुमति होगी कि प्राइवेट में भी रिजर्वेशन देना होगा,
तो कंपनियां देती, वहां भी दे रही है, यहां देने में कोई दिक्कत नहीं थी। कोई सोच नहीं लगाया आपके बच्चों को बचाने के लिए। जब उनको खतरा पैदा हुआ, ब्राह्मण बनियों के बच्चों को खतरा पैदा हुआ कि विदेशी कंपनियों के सामने हम नहीं टिक पाएंगे मार्केट में, तो शर्त लगाई कि विदेशी कंपनियों को भारत में आना है तो एक शर्त होगी कि यहां की स्थानीय कंपनियों के साथ पोलराइजेशन करना होगा, कोलैबोरेशन करना होगा। तो पंजाब की हीरो साइकिल की कंपनी और जापान की होंडा कंपनी, दोनों का समझौता हुआ, हीरो होंडा बन गई, साइकिल कंपनी का मालिक मोटरसाइकिल कंपनी का मालिक बन गया। यहां की टाटा कंपनी, वहां की सुमो कंपनी, टाटा सुमो बन गई। यहां की बजाज, वहां की सुजुकी, बजाज सुजुकी बन गई। यहां की मारुति, वहां की सुजुकी, मारुति सुजुकी बन गई। आपके बच्चों को बचाने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया, उन्होंने अपने बच्चों को बचाने के लिए प्रावधान किया। मैं नीतियां समझा रहा हूं, जो नीति कैसे बनाते वो लोग। तो आपकी पढ़ाई लिखाई खत्म, आपकी नौकरियां खत्म, और उनको लगा कि इनके पास जमीनें हैं तो फिर बच्चों को पढ़ाएंगे, जमीन में उपजाऊ होगा तो जमीनें छीनने का काम चल रहा है। जमीनें छीनने का काम सब हो गया है। एक रुपये में जमीन मीटर, एक रुपया मीटर में जमीन टाटा बिरला अंबानी को दे रहे, आपको कोई देने वाला है क्या? आदिवासी अपनी जमीन नहीं बेचना चाहते, वो दलाल टाटा बिरला को बोला हमारी जमीन नहीं बेचेंगे, ये नक्सलाइट है। अरे तुम्हारा उसकी अपनी प्रॉपर्टी नहीं बेचना चाहता तो बोलता नक्सलाइट है। जमीनें छीनने का काम शुरू हो गया। सरकारें नीतियां बना रही हैं कि किसान भूखे मरना चाहिए, भूखे मरेगा तब जमीन बेचेगा ना। भारत के पहले बजट में 13% कृषि के ऊपर था, 13% कृषि के ऊपर बजट था। 70 साल में 13 का 26 नहीं हुआ, 1% हो गया है। किसानों के सत्यानाश करने की नीतियां बना रही है सरकारें, जमीनें आपकी खत्म। और जो वोट का अधिकार था, अभी मशीनें आ गई है, उन मशीनों से वोटों की चोरी हो रही है, आपके वोटों की चोरी हो रही है। उन ईवीएम मशीनों पर दुनिया के देशों ने पाबंदी लगा दी, अमेरिका, जापान, फ्रांस, जर्मनी, यूक्रेन, कैलिफोर्निया, नेदरलैंड, तुर्की, इटली, लंबा लिस्ट 120 देश का है। और बीजेपी वाले क्या बोलते मालूम है? 30 देश में 3 तलाक पर पाबंदी है, भारत में क्यों नहीं होना चाहिए? तो मैं कहता हूं 120 देश में वोटिंग मशीन पर पाबंदी है, भारत में क्यों नहीं होना चाहिए? तुम जो बता रहे हो कि 30 देश में 3 तलाक पर पाबंदी है, भारत में क्यों नहीं होना चाहिए? मैं कहता हूं 120 देश में वोटिंग मशीन पर पाबंदी है, भारत में क्यों नहीं होना चाहिए? 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय बनाया है कि इन मशीनों से निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। पहले आपको मालूम था आप आज से पहले, मशीन आने से पहले क्या था कि वोट चुनाव के वक्त एक मतपत्रक होता था, बैलेट बॉक्स, उसमें आप निशान देकर थप्पा मारते थे, निशान देकर थप्पा मारते थे और फिर उस कागज को आप फोल्ड करके बॉक्स में डालते थे। तो आपको यकीन और विश्वास होता था जिसको देना वोट चाहिए उसको ही दिया है। आजकल क्या हो गया है, आप बटन दबाते हो, आपका वोट कहां चला गया कुछ मालूम पड़ता है क्या आपको? तो चुनाव आयोग ने कहा मशीनों से निष्पक्ष चुनाव, सुप्रीम कोर्ट ने कहा मशीनों से निष्पक्ष चुनाव नहीं होना चाहिए, नहीं होगा, पर्ची निकलनी चाहिए, जो निशान दबाते हो वो प्रिय
प्रिंटर को पर्ची पर छपकर आना चाहिए वीओपीटी पर और बॉक्स में जाना चाहिए और उसकी गिनती होनी चाहिए। बगैर पर्ची के चुनाव हो गया 2014 का, बिहार यूपी गुजरात का भी हो गया। मतलब चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मान रहा है, यहां तक पहुंच चुका है। और चोरी करना आसान है वोटों की। मैं आपको सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, आजकल मोबाइल सबके पास है, छोटा हो या बड़ा हो। अगर आपने अपने मोबाइल में किसी का नंबर कॉल डायवर्ट पर रखा हुआ है, वो अगला आदमी कितनी बार भी आपको कॉल करेगा, घंटी कहां बजेगी? ये तो आसान है ना, ये तो समझ में आता है ना। वो नंबर आपका मिला रहा है, उसके पास उसका नंबर नहीं है, वो आपका नंबर मिला रहा है, लेकिन कॉल चला जाता है दूसरी साइड। वो 10 बार मिलाएगा या 100 बार मिलाएगा, 100 बार उधर ही जाएगा। ठीक है, जो मैं बता रहा हूं, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक चीज है, अगर आपका कॉल डाइवर्ट हो सकता है तो वोटिंग मशीन भी इलेक्ट्रॉनिक चीज है, आपका वोट डाइवर्ट नहीं हो सकता है क्या? आ रहा है समझ में कुछ? बिल्कुल आसान तरीके से बता रहा हूं, टेक्निकल इंजीनियर नहीं हूं, लेकिन आजकल सबको समझ में आ जाए इस तरह बताएंगे तो जल्दी समझ जाएंगे। और नोटबंदी के वक्त 2,17,000 एटीएम मशीनों को फिक्स कर दिया था। आपकी बैंक में कितना भी पैसा हो, सप्ताह में 2400 से ज्यादा नहीं निकलेगा, सरकार ने बनाया था ना कानून, फिर 4000 किया था। आप एटीएम कार्ड जयपुर लेके जाओ, चाहे एटीएम दिल्ली लेके जाओ, चाहे मुंबई लेके जाओ, जो लोग एक दिन में 2,17,000 एटीएम मशीनों को फिक्स कर सकते हैं कि नोट कितना निकलेगा, तो कौन सी पार्टी को कितना वोट निकलेगा, ये वोटिंग मशीन फिक्स नहीं कर सकते क्या? मुझे मीडिया वालों ने पूछा कि भाई साहब आप क्या चाहते हो, तो मैंने कहा बैलेट पेपर। तो बोला आपको मालूम है कितनी जनसंख्या है? मैंने कहा बोलो आगे बोलो, मालूम है। बोला कागज कितना लगेगा, पर्यावरण का ध्यान करना चाहिए, पेड़ पौधे काटना पड़ेगा, बहुत कागज लगता है, तो पर्यावरण का ध्यान नहीं करना चाहिए। तो मैंने उनको सलाह दी कि जितना 5 साल में चुनाव में बैलेट में कागज नहीं लगता, इतना भारत के डेली अखबारों में कागज लगता है, तो आप भी पर्यावरण का ध्यान करो ना, बंद कर दो ना, क्यों कागज वेस्ट कर रहे हो, आप ही बंद कर दो। तो अखबार वाले एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तो बोला क्या 15-20 दिन गिनते रहे क्या कागज, वोट बैलेट पेपर गिनते रहे क्या 15-20 दिन तक? तो मैंने कहा आपने नोट गिनने की मशीन बना लिया है तो बैलेट साइज की गिनती की मशीन बना लो, जब नोट गिन सकते हो तो वोट भी गिन सकते हो, कौन सा टाइम बर्बाद होगा? फिर तीसरा सवाल पूछा, दुनिया चांद पर जा रही है, टेक्नोलॉजी का विकास हो गया, आप देश को पीछे धकेलना चाहते हो, तो मैंने कहा आप चांद पर पहुंचे नहीं हो, कोशिश कर रहे हो। अमेरिका 1962 में पहुंच चुका था, नील आर्मस्ट्रांग पहुंच चुका था, वहां भी बैलेट पेपर है, आप तो अभी पहुंचे नहीं हो, जो लोग पहुंच चुके वो भी बैलेट का यूज करे, आप बताओ। तो बोला आपका इंटरव्यू नहीं लेना है। तो मैंने कहा लेने के बाद छापने की औकात है क्या तुम्हारी? लेने के बाद छापने की औकात है क्या? छापेंगे तो पता चल जाएगा सबको क्या बदमाशी चल रही है। मनोज समिति ने एजुकेशन पर पाबंदी थी तो एजुकेशन किस तरह छीन रहे मैंने बताया, संपत्ति पाबंदी थी तो संपत्ति किस तरह छीन रहे हैं, नौकरियां और जमीनें किस तरह छीन रहे मैंने बताया, शस्त्र पर पाबंदी थी तो आज वोट शस्त्र का काम कर रहा है, किसको हरवाना किसको जीतवाना, वोट हथियार का काम कर रहा है, तो वो भी खत्म हो गया। आधुनिक मनोज समिति लागू हो चुकी है, आप पुरानी मनोसम्मति की बातें कर रहे हो तो बच्चों को लगेगा ये पुरानी बातें अभी थोड़ी चल रहा है, इसलिए मैंने सोचा नई मनोसम्मति बात समझा दो, जिनको भ्रम है कि अभी ऐसा नहीं चल रहा है
जिनके दिमाग में भ्रम हो गया, नहीं नहीं अभी थोड़ी चल रहा है ऐसा, अरे ये चल रहा है आपके आंखों के सामने, आपकी आंखों के सामने चल रहा है, ये सारे अधिकार समाप्त हो रहे हैं। और इन सारी बातों पर पर्दा डालने के लिए अलग अलग मुद्दे उठाते हैं, कभी काला धन आएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, 2 करोड़ नौकरियां मिलेगी, महंगाई कम हो जाएगी, देश का चौकीदार हो। मैं पुरानी बातें थोड़ा याद करवा रहा हूं, 56 इंच का सीना है, संविधान को जलाया गया, 56 इंच के सीने वाले ने कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला, संविधान को चौराहे पर जला गया, नहीं बोला 56 इंच के सीने वाला, जो कहता था कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की वजह से मैं प्रधानमंत्री बना हूं, तो संविधान की रक्षा के लिए कुछ भी नहीं बोला, और मैं देश का चौकीदार हूं, बाद में चौकीदार को आ गई नींद, विजय माल्या लेकर चला गया 9000 करोड़, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, ललित मोदी, मैं तो मेरी स्पीच में कहता था ये भागे नहीं भगाए गए, अब सबूत भी मिल गया, माल्या ने बोला कि मैं तो जेटली को मिलकर गया हूं, जेटली ने बोला जाओ कोई दिक्कत नहीं है, मैं पहले बोलता था, सुना होगा आप लोगों ने, जो भ्रष्टाचार मिटाने की बातें करते हैं, याद रखो उन लोगों ने भ्रष्टाचार के कानून बना दिए प्रस्तापित करने के लिए, 26 जून 2016 का जेटली ने कानून बनाया सेटलमेंट स्कीम, कि अगर आपके पास जितना भी काला धन हो आप 45% जमा कराओ सरकार को, आपको इंक्वायरी नहीं होगी, पूछा नहीं जाएगा कहां से आया, अगर 100 करोड़ काला धन है 45 लाख जमा कर दो, 55 लाख की सर्टिफिकेट लेके जाओ, नहीं पूछा जाएगा कहां से आया, ये कैसा हो गया मालूम है, अगर किसी थानेदार ने चोर को पकड़ा कि ये 10 लाख चोरी का है, और चोर कहेगा हां साहब चोरी का है, कोई बात नहीं तुम 5 लाख मेरे पास जमा कर दे, 5 लाख तू लेके जा, आज से तू चोर नहीं है जा। सरकार ने कानून बनाया, अनपढ़ों को भी समझ में आ जाता है, 10 लाख चोरी का, अगर पुलिस थानेदार बोलेगा 5 लाख जमा कराओ, 5 लाख तू लेके जा, अब तू चोर नहीं है जा, अब तेरे को कोई नहीं बोलेगा ये चोरी का है, ऐसा कानून जेटली ने बनाया 26 जून 2016 की बात कर रहा हूं मैं। और जो भ्रष्टाचार मिटाने की बात करते हैं, काला धन मिटाने की बात करते हैं, तो भारत के संविधान में जनप्रतिनिधि कानून 1951 FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 76 के तहत कोई भी भारतीय राजनीतिक पार्टी विदेशी कंपनियों से चुनावी चंदा नहीं ले सकती, फिर तो विदेशी कंपनियां एमएलए एमपी पैदा करेगी, उनके पीछे इन्वेस्ट करेगी, बीजेपी ने लिया, कांग्रेस ने लिया, केजरीवाल ने लिया, और अब 18 मार्च को उन्होंने कानून बना दिया कि जो विदेशी कंपनियों से पैसा लिया है, जो राजनीतिक पार्टियों ने पैसा लिया, उनकी जांच पड़ताल नहीं होगी। पार्लियामेंट में कानून बना दिया, कितना लिया, कहां से लिया, कब लिया, इसकी बिल्कुल जांच नहीं होगी, मतलब भ्रष्टाचार को जहाज ठहराने का कानून बना दिया। तो जो भगा रहे हैं वो लोग फेक कंपनियां बनाकर इनको वापस पैसा दे रहे हैं और चुनाव में अरबों खरबों रुपया खर्च करते हैं। ये 18 मार्च के बिल को दबाने के लिए 20 मार्च का एट्रोसिटी का मुद्दा खड़ा किया गया था, रातों रात का सपना आ गया था उनको, उनको लगा ये तो पूरे भारत में बदनामी हो जाएगी, बीजेपी को लगा ये तो हमारी बदनामी हो जाएगी, भ्रष्टाचार के नाम मिटाने के नाम पर वोट लिया, काला धन के नाम पर, और हमने पारित कर दिया है तो ये तो बवाल हो जाएगा, तो इसको बंद कैसे किया जाए, छुपाया कैसे जाए, तो उन्होंने नया तरीका बनाया,
बीजेपी ने बनाया। एट्रोसिटी के कानून में छेड़खानी का प्रावधान बीजेपी के माध्यम से हुआ। डायरेक्ट नहीं करे, इनडायरेक्टली उनके भाइयों से करवाते हैं। इसे क्या हुआ, बीजेपी ने ऐसा क्यों किया कि अगर एट्रोसिटी के विरोध में हम कानून को अगर प्रावधान बनाएंगे तो क्या होगा, 15% वाले खुश हो जाएंगे कि अच्छा हुआ एट्रोसिटी के विरोध में ही बन गया, और 52% के ओबीसी भी खुश हो जाएगा कि कभी कभी हमारे विरोध में भी इस्तेमाल होता है गांव देहात में, चलो अच्छा हो गया। तो 15 और 52 कितना हो गया, 67। तो बीजेपी ने सोचा 2019 के चुनाव में 67 का समीकरण बनता है, आधा भी मिल गया तो अपने आप 30-32% तो ऐसे ही मिल जाएगा SC ST को ओबीसी के काटने, ओबीसी से अलग करने की रणनीति बनाया बीजेपी ने। और कांग्रेस ने सोचा कि ये SC ST के लोग हमारे से अलग हो रहे हैं, मुस्लिम तो आज भी हमारे साथ है, वापस कैसे लिया जाए। दोनों ने मिलकर बंद का ऐलान कर दिया। अखबारों में किसी नेता ने बंद नहीं किया था, किसी संगठन ने नहीं किया, मीडिया ने हाईलाइट किया, SC ST को सड़कों पर उतार दिया। क्योंकि उसमें अगर मारे जाएंगे तब तो ओबीसी के साथ चला जाएगा, जब एट्रोसिटी के विरोध में चले जाएंगे। SC ST को अलग करने की रणनीति बनाई, और इसका सबूत चाहिए आपको तो फिर 10 तारीख को उन्होंने ओबीसी जनरल बंद करने का कार्यक्रम किया था। याद है ओबीसी जनरल बंद करने का कार्यक्रम किया, और ओबीसी जनरल बंद हो गया, बंद करने का कार्यक्रम दिया भारत बंद। मैं उन सभी पिछड़े वर्ग ओबीसी के नेताओं का और संगठनों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने ये निर्णय लिया कि तुम्हारे बंद में हम शामिल नहीं है, तुम्हारे बंद में हम शामिल नहीं है। तब मोदी को लगा कि SC ST तो हमारे विरोध में गया, और अब ओबीसी आने वाला तो वहां नहीं रहा है, तो 12 अप्रैल को दोबारा रिव्यू पिटीशन दाखिल किया सुप्रीम कोर्ट में कि चलो अभी मलम लगाने का काम करते हैं। और हमारे लोग, उन्होंने अध्यादेश जारी किया, याद रखो 6 महीने में अपने आप खत्म हो जाएगा, चुनाव जीतने की रणनीति है। और कुछ लोग बगैर सोचे समझे आज भी खुश हो रहे हैं कि SC ST का कानून सरकार ने वापस ले लिया, जो था पुराना वही हो गया। गलत है, कॉपी चाहिए तो ले लेना मेरे से। उसमें 18A जोड़ दिया है, 18A का मतलब जानते हो कि SC ST एक्ट, एट्रोसिटी का एक्ट, ये लगाने लायक है या नहीं है ये कोर्ट से अनुमति लेना होगा। तो कोर्ट में तो वही बैठे हुए, कोर्ट में वही बैठे हुए, अरे FIR दर्ज नहीं होती, कोर्ट आपको अनुमति देने वाली है क्या? अभी आ गया था ना 4-5 दिन अखबार में कि वो कोर्ट की परमिशन के, पूर्व परमिशन के बगैर आप किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते। तो क्या हो गया, अरे जो विरोध में निर्णय था वो ही बरकरार है, जो विरोध में निर्णय था वो ही बरकरार है, और हम लोग खुश हो रहे हैं। ये नहीं, हमारा प्रेशर इतना हो गया कि उनको वापस लेना, कौन सा वापस लिया, कोई है पढ़ा क्या, सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट पढ़ा हुआ है क्या, चाहिए तो ले लेना मेरे से। ये मालूम नहीं होना चाहिए सरकार को, मालूम नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने देवकी नंदन को आगे किया, देवकी नंदन शर्मा को आगे किया SC ST के विरोध में, तो हमारे लोग क्या होगा, नहीं नहीं सरकार हमारे फेवर में दिया है ना, इसलिए सवर्ण लोग विरोध कर रहे हैं, सरकार हमारे फेवर में दिया है ना, इसीलिए सवर्ण लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। भूल भुलैया समझ में नहीं आ रहा है हमारे लोगों को, उनको लगता है सरकार हमारे विरोध में निर्णय दिया था, सरकार ने हमारे फेवर में पक्ष में निर्णय आया है, इसलिए सवर्ण विरोध कर रहे हैं। और सवर्ण विरोध कर रहा है, ब्राह्मण सवर्ण के नाम पर विरोध कर रहा है,
ब्राह्मण सवर्ण के नाम पर विरोध कर रहा है, फिर ओबीसी के लोगों को झांसे में लेने के लिए नया लॉलीपॉप बताया गया 2021 में ओबीसी की जाति जनगणना करेंगे। ओबीसी एससी एसटी ओबीसी को तोड़ने की रणनीति चल रही है। ओबीसी बोलेगा एक तो एट्रोसिटी अच्छा है, फिर सरकार हमारे लिए जनगणना भी करने वाली है तो हमारे तो फेवर में सरकार। समझ आ रहा है आप पे? समझ आ रहा है क्या? राजनीति इतनी आसान नहीं है सबको समझ में आ जाए और सारे लोग राजा बन जाए, इतना आसान नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर वोट लिया, 110,213 महिला पर बलात्कार हुआ है 4 साल में, 152,000 महिलाओं के अदालत में केस पेंडिंग, 152,000 बलात्कार के केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, केवल 25,000 केस चल रहे हैं और बाकी महिलाओं के पास कोर्ट के चक्कर काटने के लिए, इंसाफ और न्याय के लिए पैसा नहीं है। पिछले साल 38,000 बलात्कार हुआ, 19,000 नाबालिगों के ऊपर बलात्कार हुआ है, 2 साल की बच्ची, 4 साल की बच्ची, 6 साल की बच्ची, 8 साल की बच्ची, गैंग रेप, आप सोचो तो सही। अगर आपकी बच्ची होती, 2-4-5 साल की बच्ची, अगर आपके आपके परिवार में आपके घर में ये अगर ऐसा हुआ होता तो आप जिंदगी भर भूल पाओगे क्या? और महिला सुरक्षा के लिए सरकार ने योजना बनाई, निर्भया योजना, 5,000 करोड़ का बजट रखा था, खर्च किया 40%, 5,000 का 40 का कितना हो गया, 2,000 करोड़ खर्च किया महिला सुरक्षा के लिए, 2,000 करोड़, और गंगा की सफाई के लिए 20,000 करोड़। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 518,528 किसानों ने आत्महत्या किया है, किसानों का 12,07,000 कर्जा माफ करने के लिए केंद्र सरकार कहती है हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन उद्योगपति का 3 साल में 17,15,000 करोड़ माफ कर दिया, क्योंकि किसान चुनाव में फंड थोड़ी देता है, उद्योगपति देते, टाटा बिरला अंबानी रिलायंस अरबों खरबों रुपया, और उनसे वोट खरीदे जाते हैं, उनसे वोट खरीदे जाते हैं। मैं तो हमेशा पूछता हूं, जिस गांव में जाता हूं पूछता हूं, आपके इधर अगर भैंस लेना हो, बढ़िया भैंस अच्छी क्वालिटी की, तो कितना उसकी कीमत होगी? 1,00,000 60,000-70,000 से 1,00,000 तक। अगर गाय लेनी हो बढ़िया तो 50,000, बकरी लेनी हो तो 10,000। आजकल मार्केट में कुत्ते भी बिकते हैं मालूम, घरों में कुत्ते पालते ना, कितने से 5,000 से कुत्ते की कीमत शुरू हो रही है, भैंस की कीमत 1,00,000, गाय की कीमत 50,000, बकरी की कीमत 10,000, कुत्ते की कीमत 5,000, और चुनाव में हमारे लोगों की कीमत कितनी होती है? 500 रुपए। एक पवे और पवे का कितना होता है? 35 रुपया। 35 रुपये में 5 साल। साल भर का 7 रुपया, 7×5=35। साल भर का 7 रुपया, 12 रुपया होता तो महीने का 1 रुपया तो होता कम से कम। आप राजा बनना चाहते हो, पार्लियामेंट में कब्जा करना चाहते हो, शासक बनना चाहते हो, और आपके लोगों की हालत क्या बना रखी है दुश्मनों ने? समझ में आ रहा है कुछ? मुझे लगता है इससे ज्यादा नीचे जाकर समझाना अच्छा नहीं है। मैं तो सुनकर हैरान हो गया, 35 रुपये में 5 साल, मतलब गुलामी इतनी सस्ती है मुझे मालूम नहीं था। ये चल रहा है, आपकी वोटों की चोरी हो रही है, आपका एजुकेशन खत्म, आपकी मां बहन की बेटियों की सुरक्षा खत्म, अन्याय अत्याचार बरकरार है, संविधान खतरे में,
संपत्ति का अधिकार वंचित कर दिया। अब नया कानून एक और आया है, मना रहे प्रयास करे वो लोग। हमारे लोग अखबार तो पढ़ते, समझ में थोड़ी ना आता है। अब आजकल अखबार में क्या आता है मन में, लोकसभा और विधानसभा का एक साथ चुनाव करवा देना चाहिए। पढ़े हुए ना आप लोग, पढ़ा हुआ। और लोगों को क्या बता दे, इससे देश का इतना इतना करोड़ रुपया बचेगा, समय बचेगा। तो हमारे लोग सोच रहे हैं, तो अच्छी बात है, करोड़ों रुपया देश का बच रहा है, टाइम बचेगा, बार बार चुनाव आ रहा है, तो अच्छी बात है। वो करोड़ों रुपया बचाने का मामला नहीं है, टाइम बचाने का मामला नहीं है, लोकतंत्र को खत्म करने का मामला है। फॉर एग्जाम्पल, लोकसभा में कोई पक्ष बहुमत में है, अगर बीजेपी आज बहुमत में, मान लो चाहे ईवीएम की वजह से बहुमत में है, लेकिन विधानसभा के चुनाव में कहीं कहीं हार गई ना, पंजाब में हार गई, दिल्ली में हार गई, बिहार में हार गई। जब विधानसभा में चुनाव हार गए तो वोट परसेंटेज बढ़ जाता है ना पार्टी का, वोट परसेंटेज आगे पीछे हो जाता है, तो वोट परसेंटेज के आधार पर राज्यसभा का आंकड़े बदल जाते हैं। कौन से राज्य में कितने वोट पड़े तो वहां कौन जाएगा, कितने राज्यसभा में जा सकते हैं, आंकड़े बदलते हैं ना। तो लोकसभा में मेजोरिटी में कोई पक्ष हो सकता है बहुमत में, और राज्यसभा में नहीं भी हो सकता है। संविधान बनाने वालों ने चेक एंड बैलेंस बनाया था। अब ये लोग क्या सोच रहे हैं कि दोनों एक साथ चुनाव करवा लो और ईवीएम मशीन का इस्तेमाल कर चुनाव जीत जाओ, पांच साल तक इनके पास कुछ ना, लोगों को बीच में जाने का अवसर ही नहीं मिलना चाहिए। लोकसभा और विधानसभा का दोनों चुनाव करवा लो, मशीनों के उपयोग से चुनाव जीत जाओ, राज्यसभा पर उसका कब्जा, लोकसभा में भी उसका कब्जा, पांच साल बगैर टेंशन का वो हमारा सत्यानाश करते रहे, और पांच साल तक आप समाज की जा नहीं पाओगे, चुनाव ही नहीं होगा। ये सारी साजिश से चल रही है लोकतंत्र को खत्म करने की। तो हम लोगों ने सोचा इन ईवीएम मशीनों का बंदोबस्त करना चाहिए। राजस्थान में चुनाव हुआ ना, 125 में से कितने जीते, 95 जो जीते ना एससी एसटी के लोग, अरे बैलेट पेपर था, इसी वजह से यूनिवर्सिटी में चुनाव जीते। अगर ईवीएम होता नहीं जीते दिल्ली यूनिवर्सिटी का, देख लो ना अखबार में, हाथ हो गई। वो बोलते हैं चुनाव आयोग, ईवीएम हमने दिया ही नहीं है। चलो ईवीएम कहां से आ गया, चोर बाजार में बिकती है क्या आजकल? चुनाव आयोग बोलता है कि नहीं नहीं ईवीएम हमने नहीं दिया, ये हमारे ईवीएम नहीं है, तो मतलब फर्जी ईवीएम बन रहा ना, फर्जी ईवीएम बन रही है। तो आपके लोकतंत्र को वोट का अधिकार ही समाप्त हो गया, लोकतंत्र कहां बचा है, लोकतंत्र कहां बचा? आपकी मेजोरिटी का भी कोई सुनवाई नहीं है, सुनवाई नहीं है। याद रखो, किसानों के वोटों की उनको जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि मशीन है। पाटीदारों के वोटों की जरूरत नहीं है उन्हें, मशीन है। जाटों की वोटों की जरूरत नहीं है उन्हें, मशीन आ गई। मराठाओं के वोटों की जरूरत नहीं है, मशीन आ गई। इसीलिए अभी वो लोग आपकी सुनवाई कोई कर नहीं रहे। आप कहोगे हमारी इतनी संख्या है, अरे इन ईवीएम मशीनों से 19 राज्य में 16 साल से एक भी मुस्लिम एमपी नहीं बना। जहां मुस्लिम आबादी है वहां भी बीजेपी वोट लेकर जा रही है, वोटों की चोरी हो रही है। जब वोट ही खत्म हो गया तो लोकतंत्र कहां है? आपका वोट ही खत्म हो गया तो चुनाव का मामला अपने आप समाप्त हो गया है क्या? इसलिए हमने प्लान बनाया, 1 करोड़ लोगों को 6 महीने में तैयार कर रहे हैं। हमने 2012 में एक प्लान बनाया था, 12 साल पहले 2004 में, चलो गांव की ओर। एक गांव से 100 लोग होंगे, 6 करोड़ हो जाएंगे, 6 लाख x100। अब गांव गांव में 100 लोग तगड़ा हो जाते हम लोग जाते हैं, तो 1 करोड़ लोगों का अभियान चला रहे हैं। जाटों ने संघर्ष किया था ना, 6 महीने तक सरकार रोक नहीं पाई थी, और मराठाओं ने किया रोक नहीं पा रही, पटेलों ने किया नहीं रोक पा रही थी,
6000 जातियां और 6 लाख गांव से 1 करोड़ लोग एक साथ जब सड़कों पर उतर जाएंगे संघर्ष के लिए, रोकने की औकात है भी उनके लिए। तो ये आपके आने वाली पीढ़ियों को बचाने की लड़ाई है, ये आपकी जमीनों को बचाने की लड़ाई है, आपके अधिकारों के बचाने की लड़ाई है। अब हो क्या रहा है मालूम है? जैसे कोई आदमी है ना पंकज जी, कोई आदमी अपनी औलादों के लिए पैसा इकट्ठा करता है, सोना चांदी इकट्ठा करता है, और पहले के जमाने में वो जमीन में गाड़ देता था इकट्ठा करके, बचत करके, कि मेरी आने वाली पीढ़ियों को काम आएगी, कम से कम उनके परेशानी ना हो। तो हम लोग क्या करते हैं, जो समस्याएं हमारे पास आती है उन समस्या को हम लोग इकट्ठा करते आते हैं, इकट्ठा करते हैं और आने वाली पीढ़ियों को देते जा रहे हैं। हम समस्या का समाधान नहीं कर रहे हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को समस्या कम हो, हम समस्या इकट्ठा कर कर उनको दे देते। बेटा तू लड़ाई लड़ना, ये समस्या सब तेरे सामने आने वाली है, तू लड़ाई लड़ना, हम तो नालायक लोग हैं, हमारे बच्चों को परेशानी कम हो इसके लिए समस्या का समाधान करना चाहिए, हम समस्या देने का काम कर रहे हैं, इकड़ा होलसेल के भाव में समस्या बच्चों को देना चाहते हैं। तो ये आने वाली बच्चों की लड़ाई है, आने वाली पीढ़ियों की लड़ाई है, आपके आने वाले बच्चों के भविष्य की लड़ाई है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कुर्बानी की, बीज बोया, हमें हमको फल मिला। हम कुछ भी नहीं करेंगे, हमारे बच्चों को कुछ मिलने वाला है क्या? और सुभाष चंद्र बोस ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बाबा साहब ने ऐसी कोई शर्त रखी थी क्या? बगैर शर्त के सबको दे दिया ना, बगैर शर्त के। इस देश में 3 लड़ाइयां हुई है आजादी की। एक लड़ाई हुई मुगलों के विरोध में आजादी की, दूसरी लड़ाई हुई अंग्रेज गोरों के सामने आजादी की लड़ाई थी, और अब तीसरी लड़ाई होगी मूल निवासियों की लड़ाई होगी हरामखोरों के सामने। अब गोरे तो है नहीं, अंग्रेज गोरे चले गए, हरामखोर बच गए हैं, उनके सामने अभी तीसरी लड़ाई शुरू कर रहे हैं। तो 1 करोड़ लोगों तैयार करें, तो ये लड़ाई लड़नी चाहिए नहीं लड़नी चाहिए? आपके बच्चों को भविष्य में बचाने के लिए, संवैधानिक अधिकार बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, वोट के अधिकार को बचाने के लिए, एजुकेशन को बचाने के लिए, जमीनें बचाने के लिए, मान सम्मान बहन बेटियों का बचाने के लिए ये लड़ाई लड़नी चाहिए नहीं लड़नी चाहिए? आवाज आ रही है, आपको इंटरेस्ट नहीं लग रहा है? अगर आप कहते हो नहीं लड़नी चाहिए, बंद कर देते, हमारे बाप का क्या जा रहा है इसमें? कोई हमारे परिवार का कोई मुद्दा उठाए क्या? अगर लड़नी चाहिए तो आप शासन करने वाले क्या? नहीं तो अभी आदत बन गई है, भगत सिंह पैदा तो हो लेकिन पड़ोसी के घर में, ताकि घर को तकलीफ होती है। तो अगर आप ये लड़ाई लड़ना चाहते हो, शासन करना चाहते हो, तो मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, ये कोई वसुंधरा की यात्रा नहीं है सरकारी खजाने पर चलने वाली, क्योंकि वसुंधरा सरकार के पैसे चल रही है, और हम भी सरकार से लेकर चलेंगे तो सरकार की बोली बोलना पड़ेगा ना, सरकार के विरोध में आप बोल नहीं सकते। अगर टाटा बिरला पूंजीपतियों के पैसा लोगे तो उनके विरोध में बोलोगे क्या? तो ये लड़ाई हमारे है बच्चों की, भविष्य की। तो इस लड़ाई में पैसा हमारा होगा, पसीना भी हमारा होगा, हमारे आने वाले बच्चों को बचाने की लड़ाई है। आखिरी बात कहकर समाप्त करता हूं, मैं डिस्कवरी चैनल देख रहा था टीवी में, हिरणों का झुंड पानी पी रहा था, शेर छुपा हुआ था पेड़ पौधों के पीछे, जैसे शेर ने शिकार किया हिरण भागने लगी, हिरण का बच्चा पानी के दलदल में फंस गया। हिरण वापस आकर शेर से मुकाबला किया। मुझे ताजुब लगा कि जानवर को भी अपनी औलाद को बचाने की अगर अक्ल और समझ है, और हम लोगों को अगर वो भी नहीं है, तो फिर तो हम तो जानवर से भी गए गुजरे। तो ये आने वाली पीढ़ियों की लड़ाई है, हजारों साल की गुलामी खत्म करने की लड़ाई है। तो इस लड़ाई में आप लोग जिस तरह अलग अलग जिलों से लोगों ने यहां तक 1 महीना पहुंचाया, यहां से आप आगे पहुंचाने के लिए इस रैली को समय, इस रैली में आप भी साथ सहयोग दोगे, मान सम्मान दिया, इस तरह साधन संसाधन भी दोगे गाड़ियों को आगे पहुंचाने के लिए। 6 महीने तक हमारी रैली चलने वाली है, हर गांव से हम लोग
ये अपील करते हैं कि दुश्मनों के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, समाज के आगे 10 बार हाथ फैलाएंगे, क्योंकि लड़ाई समाज की है। दुश्मनों के आगे हाथ फैलाएंगे दलाल बन जाएंगे, और दलाली करनी पड़ेगी, भड़वागिरी करनी पड़ेगी। समाज के आगे हाथ फैलाएंगे तो समाज आज नहीं तो कल संघर्ष में साथ देने वाला ही है, क्योंकि उनके बच्चे भी भविष्य में खतरा है उनको। तो आप लोग इस लड़ाई में साधन संसाधन भी दोगे, 10 रुपए से लेकर 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 जो आपका जमीन अलाउ करे कि ये गुलामी खत्म होनी चाहिए हमारे बच्चों की, और संविधान बचना चाहिए, लोकतंत्र बचना चाहिए, आने वाली पीढ़ियां बचनी चाहिए। आप लोग 700 करोगे इस आशा अपेक्षा के साथ। मेरी बात ध्यान से सुना आप लोगों ने, काफी समय हो गया, आपने काफी समय से धैर्य पूर्वक सुना, मैं आपका आभारी हूँ, आपने मेरी बात ध्यान से सुना, इसके लिए आप सबका धन्यवाद। शिव भगवान जी।